हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं सी एफ मोटो की एक अपकमिंग बाइक जो आपको 2020 के अंदर देखने को मिलेगी 100%, और ये बाइक ज़बरदस्त होने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। तो सब कुछ बात करेंगे। ये बाइक है सी एफ 300 SR। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस बाइक को लेने में, या फिर आप लोग भी चाहते हैं इस बाइक को परचेज़ करना, तो वीडियो एंड तक देखना। मैं सब कुछ बात करूंगा इसके प्राइस के बारे में, लॉन्च डेट क्या है और क्या क्या फीचर्स आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलने वाले हैं। सी एफ मोटो ने से कुछ टाइम पहले अपनी तीन से चार बाइक्स को हम लोगों को शोकेस किया था, बट BS6 आ जाने की वजह से उसके जो लॉन्च डेट में था वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया था। बट अब कंपनी बिल्कुल ही BS6 के बाइक्स के साथ रेडी है, तो कोई इशू नहीं होने वाला। तो हम लोग बात करेंगे इस बाइक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के वीडियोज़ देखे थे और भी बहुत ज़्यादा लोगों के, और तो वो लोग ये बात बता रहे थे कि ये एक 250cc की बाइक है। तो ये 250cc की बाइक नहीं है, ये एक 300cc की बाइक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बाइक में आप लोगों को 292cc का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलने वाला है, बिल्कुल सेम एज NK जो 300 है, जो नेकेड वर्जन है, उसमें जैसा इंजन उसमें मिलता है वही इंजन आप लोगों को इस बाइक में भी मिलेगा। ये एक फुल्ली फेयर्ड बाइक होने वाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाने वाली है इंडियन मार्केट में। बस डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। बाइक के अंदर आप लोगों को फ्यूल इंजेक्टेड प्लस लिक्विड कूल सिस्टम मिलने वाला है, 33.5 BHP का पावर और 21.5 Nm का टॉर्क मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लुक वाइज अगर मैं बात कर लूँ इस बाइक की, तो ये एक फुल्ली फेयर्ड बाइक है। अंडर बैली एग्जॉस्ट मिलने वाले हैं बाइक में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है अगर आप लोग ओवरऑल देखोगे बाइक को। तो फीचर्स की बात कर लेते हैं, फुल्ली LED हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं, LED DRLs मिलने वाले हैं बाइक में, एक मस्कुलर फ्यूल टैंक होने वाला है कार बाइक का, क्लिप ऑन हैंडल बार TFT स्क्रीन होने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है, और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स लोडेड बाइक लग रही है मुझको। डुअल चैनल ABS जो कि सेफ्टी फीचर्स से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बाइक में आप लोगों को दो कलर्स अवेलेबल हो जाते हैं, ब्लू ब्लैक ग्रीन का कॉम्बिनेशन बना के एक मिलने वाला है, और एक आपको फुल्ली ब्लैक कलर में आप लोगों को ये बाइक मिलने वाली है। टेस्टिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा देखी जा चुकी है ये बाइक, कुछ फोटोज़ आप लोग देख सकते हो सामने। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आप लोगों को ये बाइक कैसी लग रही है, ठीक है। अब बात करते हैं इस बाइक की टॉप स्पीड की। तो ये बाइक की टॉप स्पीड लगभग 128 किलोमीटर होने वाली है, और ये उससे ज़्यादा ही जाएगी, ये तो कंपनी क्लेम करती है। ये बाइक आप लोगों को 2020 के मिड में मिल जाएगी 100%। बाइक के प्राइस की अगर बात कर ली जाए, तो प्राइस लगभग आप लोगों को 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के आसपास पड़ने वाली है। कमेंट करके बताना क्या आप लोग इस प्राइस रेंज में एक 300cc की बाइक लेना पसंद करोगे, आप अदर बाइक ब्रांड पे जाओगे तो किस बाइक के पास जाओगे, ठीक है। अब एक मेरा क्वेश्चन और है आप लोगों से, ये एक चाइनीज़ मैन्युफैक्चर बाइक कंपनी है, तो क्या आप लोग चाइनीज़ बाइक के ऊपर भरोसा करोगे, या फिर आप इंडियन बाइक्स पे ही भरोसा करोगे? तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो भाई लोग ज़रूर शेयर करूँगा।